डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेक्टर बेस्ड मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे. और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉर जेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली टू मेथड्स यूज होते हैं, डिस्टेंस बेस्ड और करेक्टर बेस्ड. तो अब नेक्स्ट हम करेक्टर बेस्ड मेथड्स को स्टार्ट करेंगे. करेक्टर बेस्ड मेथड्स और डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स को अगर हम कंपेयर करें कि उनमें क्या डिफरेंसेज हैं, तो डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स में क्या होता है कि हम अलाइन सिक्वेंसेज को लेते थे और उनके जो डिफरेंसेज हैं कैलकुलेट करने के बाद एक डिस्टेंस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते थे. और डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है उसमें जस्ट टेबल हैविंग डिफरेंट नंबर्स, और उन नंबर्स को देख के हम ये आइडिया नहीं बता कर सकते थे कि जी जो इस एक्चुअली सीक्वेंसेस हैं उनके कंटेंट्स क्या हैं. या अगर हम नंबर्स को देख के अलाइनमेंट को ड्राइव करना चाहें तो वो भी हम ड्राइव नहीं कर सकते थे. और अगर इसी से कुछ सीक्वेंसेस जिनके जो डिस्टेंसेज हैं वो सेम हैं तो उनसे हम ये गेस नहीं कर सकते थे कि जी इनकी जो सीक्वेंसेस हैं एक्चुअली वो भी जो है वो सिमिलर हैं या उनकी जो कंटेंट्स हैं वो भी सिमिलर हैं. तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास करेक्टर बेस्ड मेथड्स हैं. और करेक्टर बेस्ड मेथड्स में डायरेक्टली जो अलाइंड सीक्वेंसेस हैं उनको ही लेते हैं और उनकी बेस पर जेनेटिक ट्री बनाते हैं. तो इस वजह से जो करेक्टर बेस्ड मेथड्स पे बनने वाले ट्री हैं दे आर मोर रिलायबल देन डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स. तो करेक्टर बेस्ड मेथड्स में करेक्टर जो है बेसिकली दैट इज़ ए हेरिटेबल ट्रेट पोजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. और करेक्टर्स जो हैं दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ और दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम सीक्वेंसेज लाइक डीएनए और प्रोटीन्स. तो करेक्टर्स जो हैं दे आर डिस्क्राइब बाय देयर स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ करेक्टर और उसकी जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो प्रेजेंट और एबसेंट हैं. इसी तरह से अगर हम इन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो एक लिमिटेशन है, वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. जबकि अगर हम मोलेकुलर डेटा की बात करें जिसमें डीएनए और प्रोटीन शामिल हैं, तो डीएनए के केस में हमारे पास 4 स्टेट्स पर पोजीशन पॉसिबल हैं और प्रोटीन के केस में 20 स्टेट्स पर पोजीशन पॉसिबल हैं. और थोड़ा सा एलैबोरेट करते चलूँ कि 4 स्टेट्स का मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक डीएनए के सीक्वेंस जो है वो सिर्फ 4 डिफरेंट सीक्वेंसेस में जा सकती है, बल्कि 4 स्टेट्स का मतलब है कि डीएनए, अगर एक डीएनए की सीक्वेंस 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है तो उसमें हर हर पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है. तो इसे आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि हाउ मैनी नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर ए डीएनए इज़ पॉसिबल. और सेम गोज विद प्रोटीन जिसमें 20 स्टेट्स पर पोजीशन है, तो इवन इसमें उससे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ सकती है. करेक्टर बेस्ड मेथड्स वर्क ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस. पहला तो ये कि जो करेक्टर्स हैं दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड चेंज इन वन हैज़ नो अफेक्ट ऑन द अदर करेक्टर. अब इसमें अगर आप अगेन सीक्वेंसेस की बात करें तो इस सीक्वेंस नंबर 1 पे जो करेक्टर्स हैं और जो भी वो चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं उनका कोई भी इफेक्ट पोजिशन नंबर 2 के करेक्टर्स पर नहीं होगा. इसी तरह से आफ्टर टू स्पीशीज डाइवर्स दैट दे कंटिन्यू टू इवॉल्व इंडिपेंडेंटली. सेकेंड एजम्पशन जो करेक्टर बेस्ड मेथड फॉलो करते हैं कि अगर दो स्पीशीज डाइवर्स हो गई हैं नाउ दे विल इवॉल्व इंडिपेंडेंटली. टू मेजर मेथड्स विच फॉलो इन करेक्टर बेस्ड मेथड्स आर पार्सिमनी मेथड एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड. हम पार्सिमनी मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे. फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन में जो पार्सिमनी प्रिंसिपल यूज होता है वह दैट इज टू फाइंड द ट्री दैट रिक्वायर्स द फ्यूएस्ट एवोल्यूशनरी चेंजेस. अगर हमारे पास मल्टीपल ट्री टोपोलॉजीज हैं और तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें से वो ट्री हमने चूज करना है और वो ट्री जो है हमारी जो रिलेशन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको डिपेंड करेगा जिसमें सबसे कम जो है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं या सबसे कम म्यूटेशंस अकर हो रही हैं. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द ट्री दैट रिक्वायर्स द फ्यूएस्ट एवोल्यूशनरी चेंजेस. इन केस ऑफ पार्सिमनी वी हैव टू लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम, लार्ज एंड स्मॉल. लार्ज पार्सिमनी के केस में ये है कि वी हैव मल्टीपल सीक्वेंसेस आफ्टर अलाइनमेंट और हमने उस अलाइनमेंट को देखते हुए वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल ट्री टोपोलॉजीज एंड देन वी हैव टू डिटरमिन द ट्री विच इज विच बेस्ट डिस्क्राइब द पार्सिमनी ऑब्जेक्टिव. दैट इज कौन सा उसमें से ट्री है जिसमें सबसे कम म्यूटेशंस हुई हैं. स्मॉल पार्सिमनी के केस में हमारे जो इनपुट है वो एक ट्री टोपोलॉजी होती है और इसके अलावा उसकी जो स्टेट्स हैं या उसके जो लीव्स हैं दे आर लेबल्ड. और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने उसके इंटरनल लोड्स फाइंड आउट करने हैं और वो इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि विच रिक्वायर द मिनिमल नंबर ऑफ चेंजेस.
लार्ज पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम जो है इट इज़ एम पी हार्ड प्रॉब्लम. इट मीन्स वी कैन फाइंड द सोल्यूशन बट वी कॉन्ट गेस द टाइम इन विच वी कैन वी विल रीच टू दैट सोल्यूशन. और इसी तरह से स्मॉल पार्ट्स में जो है इट कैन बी सॉल्व क्विकली यूजिंग फिट्स एल्गोरिदम. अब हम फिट्स एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे. फिट्स एल्गोरिदम एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली फॉर ईच करेक्टर. बेसिकली जैसे पहले बताया कि करेक्टर बेस्ड मेथड्स में हमारे पास अलाइंड सीक्वेंसेस हैं और उनकी बेस पे हमने ट्री बनाना है. सपोज हमारे पास अगर 100 न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड लॉन्ग एक अलाइनमेंट है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर 100 की 100 पोजीशंस जो हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव हों. और उनमें से कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं और कुछ साइट्स हैं वो अनइन्फॉर्मेटिव होती हैं. तो हमें जो फिट एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हम सिर्फ इन्फॉर्मेटिव साइट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अन इन्फॉर्मेटिव साइट्स के बेस पे जो बने वाला ट्री होगा दैट इज़ मीनिंगलेस. फिट एल्गोरिथम वर्क्स इन टू फेजेस, बॉटम अप फेज एंड टॉप डाउन फेज. इन केस ऑफ बॉटम अप फेज डिटरमिन द सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स फॉर ईच इंटरनल नोड. और टॉप डाउन फेज इन विच वी मूव फ्रॉम रूट टू लीव वी पिक अ स्टेट फॉर ईच इंटरनल नोड. फिट एल्गोरिथम बॉटम अप फेज वर्क्स बाई यूजिंग दिस एल्गोरिथम. Initialization R of I is equal to all the possible states for all tips. Then traverse the tree from leaf to root. और उसके बाद जो है ट्रिवर्स करते हुए यू हैव टू डिटरमिन R of I of internal node I with children J and K. और किस लेवल करना है कि if R and J and R K they have something common or their intersection is a non-empty set, तो आपने उस नोड को उसके इंटरसेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा उसे लेवल कर देना है. अदरवाइज आपने उनका यूनियन जो भी बनता होगा वो आपने लिख देना है. सपोज दिस इज आवर ट्री, जो ये ट्री टोपोलॉजी हमें गिवन है और इसकी ये लीफ नोड्स हमें गिवन है. और हमने अब जो है सबसे पहले बॉटम ऑफ फेज को अप्लाई करना है और ये इंटरनल नोड्स हैं इनको हम लेबल करेंगे और हमने पार्सिमनी स्कोर भी बताना है. सबसे पहले हम देखते हैं ये ह्यूमन और चिंपैंजी जो हैं इनकी पर्टिकुलर पोजीशन पे सी और टी प्रेजेंट है. तो सी और टी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे जो है इनका यूनियन लिखेंगे सी टी लाइक दिस. और इसी तरह से इस गिवन और लेमन की बात करें तो जी एंड टी इनमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम इस जो इंटरनल लोड है इसको जी टी के साथ लेबल करेंगे. और यहाँ पे गोरिल्ला हैज ए और ये जो है जी टी है तो इसका जो इंसेस्टर होगा वो जी टी ए होगा. इसी तरह से नेक्स्ट जो है अगर हमारे ये नोड जो है इट इज़ लेबल्ड विद जी टी ए और ये वाला जो इसका नोड है ये इट इज़ लेबल्ड विद सी टी, तो चूंकि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वी गेट अ नॉन एम्प्टी सेट दैट इज़ टी, तो हम उसको इसे लेबल कर देंगे. और जैसे रूट नोड की अगर हम बात करें तो इसके जो चाइल्ड हैं वो ए और टी हैं तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए हम इस रूट नोड को टी ए के साथ लेबल कर देंगे. ये हमारी बॉटम ऑफ फेज है. अब इसमें हम देखें अगर पार्समनी स्कोर, तो पार्समनी स्कोर बेसिकली नंबर ऑफ यूनियन ऑपरेशंस को कहते हैं. तो यूनियन ऑपरेशंस हमने 4 times अप्लाई किया है सो पार्समनी स्कोर इज 4. नेक्स्ट टॉप डाउन फेज. टॉप डाउन फेज वर्क्स बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स. पहला तो ये कि जी पिक आर्बिट्री स्टेट इन आर रूट टू बी द स्टेट ऑफ द रूट एस रूट. सबसे पहले ये जो रूट नोड है इसमें अगर तो एक सिंगल आपके पास एक सिंगल स्टेट नज़र आ रही है तो आप उसी को ही असाइन कर देंगे रूट नोड को. और अगर आपके पास मोर देन वन स्टेट हैं तो आप उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी स्टेट जो है वो पिक कर लेंगे. जैसे इस केस में टी और ए दो हैं तो हम इसमें से ए को पिक कर लेंगे. और फिर क्या करना है, ट्रेवर्स द ट्री फ्रॉम रूट टू लीफ और डिटरमिन एस ऑफ आई ऑफ इंटरनल नोड आई विद पेरेंट जे. तो उसके बाद हमने अब मूव करना है फ्रॉम रूट टू लीव्स और रास्ते में आने वाले जो भी नोड्स होंगे उनको हमें लेबल करना है और वहाँ पे जो एग्जैक्ट जो भी करेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है वो हमें डिटरमिन करना है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रूट नोड है यहाँ पे हमने ए को पिक कर लिया है और इसके जो दो चाइल्ड हैं इस साइड पे जो चाइल्ड है उसमें ए ही है नो म्यूटेशन. और अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो दिस रूट हैज़ म्यूटेशन, ए हैज़ बीन म्यूटेटेड टू टी. हमने इसको नोट कर लेना है. फिर नेक्स्ट जो है इस नोट की बात करें विच इज़ लेबल्ड विद टी, तो इसके जो दो चाइल्ड हैं राइट एंड लेफ्ट,
तो राइट चाइल्ड जो है इसके थ्री स्टेट्स हैं जी टी ए. देयर इज अ मोर चांस दैट द चाइल्ड विल हैव टी इंस्टेड ऑफ जी एंड ए. सो हम यहाँ पे इस नोट को टी के साथ लेबल कर देंगे. और इसी तरह से अगर इसके लेफ्ट साइड के चाइल्ड को देखें तो वहाँ पे भी देर इज़ अ मोर चांस कि ये चाइल्ड जो है ये टी को ही कंजर्व करेगा और हम इसको सी को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस नोट को हम टी के साथ लेबल कर देंगे. फिर नेक्स्ट अगर देखें तो अगर ये जो नोट है इसके दो दो चाइल्ड हैं तो अगर राइट साइड चिंपैंजी को देखें तो चिंपैंजी हैज़ ऑलरेडी टी सो नो म्यूटेशन. बट इन केस ऑफ ह्यूमन अ म्यूटेशन हैज़ अकर्ड फ्रॉम टी टू सी तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे. और इसी तरह से अगर आप इस नोट की बात करें इंटरनल नोट की तो इसके दो दो चाइल्ड हैं गोरिल्ला और जी टी. नोट को हमने टी से लेबल किया था तो सो गोरिल्ला हैज़ अडॉप्टेड अ चेंज फ्रॉम टी टू ए. और इसी तरह से अगर हम इसके लेफ्ट नोट की बात करें तो देर इज़ ए मोर चांस टू हैव अ टी देन जी. सो जी को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इस नोट को टी के साथ लेबल कर देंगे. और इस टी की अगर बात करें तो इसके भी दो चाइल्ड हैं और राइट चाइल्ड ऑलरेडी हैज़ टी सो नो चेंज. और लेफ्ट चाइल्ड जो है इट हैज़ जी सो म्यूटेशन इवेंट हैज़ अकर्ड. तो अगर आप इसमें देखें नंबर ऑफ़ चेंजेस या नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं तो वो फोर प्लेसेस पे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सो द पार्सिमनी स्कोर इज 4. सो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट ट्री बाय यूजिंग. सो दिस इज़ द फाइनल ट्री आफ्टर अप्लाइंग फिच एल्गोरिथम. इसमें हमारे पास गिवन सिर्फ ट्री टोपोलॉजी थी और ये चाइल्ड नोड्स थे और हमने इसमें जो इंटरनल नोड है उनको लेबल कर लिया है.